सो गाइस, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। लेक्चर 1 एंड 2 हम पहले ही ऑलरेडी करा चुके हैं, जिनमें हम बेसिकली क्या करवाया है, हमने करवाया बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूटी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके अलावा हम कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि दो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस है तो उनको ऐड करते हैं तो भी कंटिन्यूस होते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कंटिन्यूस होते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन करो तो भी कंटिन्यूस होते हैं। उसके अलावा काफी सारे हम क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं, और आज के जो लेक्चर है उसमें हम क्या करवाएंगे, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद इसका मतलब है कि हमारा जो जो कॉन्सेप्ट थे, जो जो बेसिक थी, जो जो मतलब सीखने की चीज थी, वो हम ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 में सीख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम क्या करवाएंगे, उसको अप्लाई करने उससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्दर हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेक्चर से जो मिले जुले क्वेश्चन है ना वो एक साथ करवाए जाएंगे। सो गाइस रेडी हो जाएंगे। इनफैक्ट देखो, मैं क्या है, मेरा फंडा है कि मैथ में जितने ज्यादा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट फिर याद रह जाता है बजाय आप थ्योरी पढ़ने की। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। सो और हमारी जो ये क्वेश्चन है वो किससे रिगार्डिंग रहेंगे, वो हमारी एक्सरसाइज 5.1 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो आप एक बार एनसीईआरटी की 5.1 जाकर भी देख सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, हमें पास ये फंक्शन दे रखा है और हमें वैल्यू पूछा है कि ए एंड बी की वैल्यू पूछ रखा है, और साथ ही साथ हमें कंटिन्यूस दे रखा है, यानी ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है। पहली अगर देखो कोई वैल्यू पूछा होगा ना तो कंटिन्यूस दे रखा होगा, अगर कंटिन्यूस नहीं दे रखा तो वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस चलो वैल्यू सॉल्व करते हैं और उसके बाद आंसर निकालते हैं। कि सबसे पहले देखो ब्रेक कर, देखो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, एक तो 2 पे ब्रेक हो रहा है देखो, और एक 10 पे ब्रेक हो रहा है, तो अलग करेंगे पहले 2 के लिए। किसके लिए, 2 के लिए करेंगे। तो 2 के लिए करते हैं गाइस लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे गाइस। मैं लिखने की नहीं रहा, बस आप समझ लेना f ऑफ 2 माइनस h, क्योंकि c की जगह यहाँ 2 है, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस एच, यानी 2 से थोड़ा सा कम, तो थोड़े से कम के लिए ये चीज आ जाएगी ना एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इस इंटरवल में आ जाएगा। इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो ये मेरे पास 5 के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर, आ गया ये। अब क्या करूंगा, मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा। इज इट क्लियर, जब फर्दर करूंगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 अब 2 प्लस एच, यानी 2 से ज्यादा हमारे पास ये सेकंड इंटरवल आ गया ए एक्स प्लस वी वाला। तो ए एक्स, एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, x की जगह मैं 2 रख दूंगा, 2 प्लस एच रख दूंगा, तो a 2 प्लस एच प्लस बी जेड क्लियर, यानी मेरे पास पता चल गया ना, देखो 2 प्लस एच यानी 2 से हल्का सा ज्यादा था, तो ये इस इंटरवल में पहुंच गया, इस वाले में ए एक्स प्लस बी वाले में पहुंच गया। तो मैं रख दूंगा ए एक्स प्लस बी ए, और x की जगह मैं 2 प्लस एच था तो 2 प्लस एच रख दूंगा और बी एस इज इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा, मैं h की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी आ जाएगा। इज इट क्लियर, अब मुझे पता है कि जब कंटिन्यूस है, क्या है कंटिन्यूस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर 5 के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये मैंने एक इक्वेशन निकाली, ये मैंने किसके यूज करते हुए निकाली, मैंने 2 का यूज करते हुए निकाली। ऐसे ही 10 पे मैं लिमिट चेक करूंगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और उसको इक्वल कर दूंगा, तब मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और मुझे पता है 2 इक्वेशन आ गई तो मैं वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। ये तो हमने बचपन में सीखा ही है, एक बार सब इरेज कर लेता हूँ और फिर दोबारा से रीराइट करता हूँ। 2a प्लस b इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा था, ये मेरे पास 5 आ रहा था, इक्वेशन 1 आ रही साइड में लिख लिया। अब मैं 10 के लिए चेक करता हूँ, किसके लिए 10 के लिए करता हूँ गाइस, तो 4 10 के लिए, किसके लिए 10 के लिए चेक करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 10 के लिए चेक कर रहा हूँ ना, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस एच आ जाएगा। इज इट क्लियर, अभी 2 के लिए कर रहे थे तो 2 माइनस एच आ रहा था, अब इस बार हम 10 के लिए कर रहे तो 10 माइनस एच हो जाएगा, तो एच टेंस टू 0 10 माइनस एच यानी 10 से कम, 10 से कम ये वाला आ रहा है, ये वाली फंक्शन आ रहा है, तो क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स की जगह 10 माइनस एच प्लस बी, अब एच की जगह मैं क्या रखूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ए 10 माइनस 0 प्लस बी, ये 10 माइनस 0 10 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू 10 दैट इज 10 ए प्लस बी आ जाएगा। इज इट क्लियर, और मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ गाइस इसी फंक्शन की, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच, 10 प्लस एच, गाइस आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ा टाइम लग रहा है, गाइस टाइम लगने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं भी बताऊंगा इसको डायरेक्ट भी डायरेक्ट, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप अपने आप ये कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो। तो 10 प्लस एच यानी 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा के लिए मेरे पास 21 वैल्यू दे रखी है, तो 21 इज इट क्लियर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 21, क्योंकि इधर एच है ही नहीं तो एच की जगह 0 रखने का कोई फायदा नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास 21 आ गई, लेफ्ट हैंड 10 ए प्लस बी है, तो दोनों को इक्वल कर लो, क्योंकि देखो कंटिन्यूस दे रखा है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 10 ए प्लस बी इक्वल टू 21,
मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऊपर लिख रखी है, ये इसको नीचे दोबारा से लिख लेता हूँ, दैट इज 2a प्लस b बराबर ये 5। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आई थी, किसको? 2 के लिए जब मैंने सॉल्व किया था तो इक्वेशन 1 आई थी। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। देखो सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 10a प्लस b माइनस 2a प्लस b, तो b से b कट जाएगा, बचेगा क्या? 10a माइनस 2a दैट इज 8a, और इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 21 माइनस 5 दैट इज 16 बचेगा। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 को इसमें रख दूंगा मैं, इस इक्वेशन 1 में, या फिर 2 में किसी में भी रख दो, है ना। तो मैं इक्वेशन 1 में रख दिया तो क्या आ जाएगा, 2 into a that is 2 plus b that is 5, तो 2 2s are 4, दूसरी तरफ भेजेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। बेसिकली आप सोच रहे हो सर इतनी जल्दी क्यों करा दिया, इसमें करवाने की जरूरत ही नहीं थी, आप खुद कर सकते हो इक्वेशन सॉल्व करना ही हो, क्योंकि हम जेई के क्वेश्चन करवा दें या फिर हायर लेवल के करवा दें या फिर 12th के करवा दें, तो ये तो 10th का कॉन्सेप्ट आई हो, ये आपको आता होगा। अगर नहीं आता हो तो कमेंट करके बताइए, हम ये चीज भी करवाएंगे। अब इनको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखो इसमें लिख रखा है कि ये फंक्शन दे रखा है और x इक्वल टू 2 ये कंटिन्यूअस है। गाइस लिखाना नहीं पाया पर ये समझ लेना, ये कंटिन्यूअस है। तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं 2 पे, 2 पे कंटिन्यूअस दे रखा तो हम 2 पे चेक करेंगे, किस पे? 2 पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट? बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, इज इट क्लियर? 2 माइनस h, क्योंकि 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 माइनस h हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस h, एंड 2 से छोटा, 2 से 2 या 2 से कम के लिए ये मेरे पास क्या फंक्शन बन रहा है, kx स्क्वायर बन रहा है, तो k x की जगह मैं रख दूंगा 2 माइनस h, क्योंकि इधर देखो x था ना, f के साथ x था तो x आ रहा था, इधर f के साथ क्या 2 माइनस h है, तो 2 माइनस h आ जाएगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब x की जगह मैं क्या 0 पुट कर दूंगा, तो 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज k इंटू 2 माइनस 0 2 होता है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, तो 4 किया जाएगा, इज इट क्लियर? आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, क्या निकालता हूं? राइट हैंड लिमिट करते हैं, चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, इज इट क्लियर? दैट इज इक्वेशन, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुई पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा से रीराइट कर देते हैं। ये क्या आ गया मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h यानी 2 से ज्यादा, तो 2 प्लस h 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या आ रहा है, वो 3 के बराबर आ रहा है, तो 3 रख दूंगा, जिट क्लियर? रख दिया, तो अब मैं h की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे h है नहीं तो कोई फर्क नहीं है, 3 एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 की थी, राइट हैंड लिमिट 3, तो इनको इक्वल कर दूंगा, तो 4k इक्वल टू 3, तो k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा मेरे पास 3/4। ये 3/4 कैसे आया भाई, मैंने 4 का डिवाइड कर दिया ना, यहाँ से 4 था, इस तरफ भेजेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास k की वैल्यू मिल गई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन। तो गाइस इसमें हम लगाएंगे, हमें सबसे पहले देखते हैं fx इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, ये लिख लिया। अब मैंने इस x स्क्वायर को क्या मान लिया, सपोज करो जी फंक्शन जी मान लिया, जी कोई फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर इक्वल है, और कॉस का जो फंक्शन है कॉस के अंदर जो भी है उसको मैंने एफ मान लिया, इज इट क्लियर? तो मैं कॉस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इज इट क्लियर? आपको एक सेकंड इसको रीराइट करते हैं, थोड़ा सा जस्ट अ सेकंड थोड़ा लिखने में। तो गाइस इसको मैं लिख सकता हूँ इस फंक्शन को स्मॉल एफ यानी कॉस का, और ये एक्स स्क्वायर जी है, जी हो गया, और हम बार x लगा देते हैं, इज इट क्लियर? ये आपने कंपोजिट फंक्शन में काफी बार पढ़ा होगा, इज इट क्लियर? ये पता हो आपको एफ जी एक्स है। अब मुझे पता है कि ये जी, ये x स्क्वायर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी जी कंटिन्यूस है, इज इट क्लियर? मैंने प्रूव करवा रखा है पहले x स्क्वायर कंटिन्यूस कैसे है, अब वहां जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मुझे पता है कॉस वाला फंक्शन भी हमेशा एफ भी कंटिन्यूस है, यानी कॉस वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, समझ रहे हो? कॉस भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, इज इट क्लियर? यानी कि मेरे पास एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो ये भी f of gx यानी कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है ये प्रॉपर्टी से, तो f of gx दैट मींस मैं लिख नहीं रहा, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको नोट करते जाइए, उसको गौर से सुनिए, दैट मींस f of gx यानी x स्क्वायर कंटिन्यूअस होगा, इज इट क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि देखो x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, cos के अंदर जो भी होता है cos का फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन या फिर ये इनका कंपोजिट फंक्शन भी एक तरह से कंटिन्यूअस होता है गाइस। और वैसे भी जनरल भी सोच ले यार, कॉस एक्स स्क्वायर है भाई, कॉस के अंदर जो भी वैल्यू, सपोज करो एक्स स्क्वायर थीटा आ रही है, सपोज करो, तो ये अगर कॉस थीटा इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से, साइन मोड एक्स, ये मैंने मोड एक्स को क्या मान लिया, मोड एक्स मान लिया मैंने जी मान लिया, है ना, इज इट क्लियर। और साइन के अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने एफ मान लिया, मुझे पता है कि एफ क्या होता है, एफ कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस है। ऐसे ही मोड एक्स भी कंटिन्यूस होता है, क्यों कंटिन्यूस होता है मैंने बता रखा है पुराने वाले सेशन में, मैं कह रहा हूँ गाइस मैंने हर चीज पहले ऑलरेडी करवा चुका है, बस अब उसको थोड़ा अपर लेवल का समझाने की है बस, या थोड़ा सा दोबारा से री अंडरस्टैंडिंग करवाने की है गाइस। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे हुआ तो पुराने वाले सेशन में जाके देखिए, उसमें मैंने ऑलरेडी करवा रखा है कि भाई मोड एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये कहीं ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूस है। हाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा पर कंटिन्यूस होगा, ये मैं बताऊंगा डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा, कंटिन्यूस क्यों है ये मैं बता चुका हूँ, है ना। इस तरीके से अगर ग्राफ बनता है लगातार कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए मोड एक्स कंटिन्यूस होता है। उसके बाद साथ साथ साइन एक्स गाइस, साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो लगातार इस तरीके से जाता है, कहीं ब्रेक होता नहीं, तो साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, तो ये दोनों कंटिन्यूस है। अब साइन मोड एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ इसकी, मैं इन टर्म्स ऑफ जी और एफ लिख सकता हूँ, मैं एफ ऑफ जी एक्स लिख सकता हूँ, इज इट क्लियर, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे पता है ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ये होल भी कंटिन्यूस होगा, ये पूरा भी कंटिन्यूस होगा, इज इट क्लियर, ये पूरा भी कंटिन्यूस होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है और एफ वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो इनका जो कंपोजिट है, कंपोजिट क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर है, साइन मोड एक्स के, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। आई होप समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन लेने का है ही नहीं, इसमें कुछ करने का ही नहीं है, पर मैंने थोड़ा इसमें आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप करने के लिए ये चीजें ले ली हैं, बाकी ऐसे बोर्ड लेवल पे इतने नहीं पूछे जाते। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंपोर्टेंट ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने वाला था, सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है आज के सेशन का, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। इसके हमें डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने की कहां कहां पे डिस्कंटिन्यूस है। तो गाइस मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं आधा कर दूंगा, उसके बाद आधा खुद आपको करना पड़ेगा, मैं वहीं तक करूंगा जहां तक मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया नहीं हुआ, उसके अलावा जहां से मुझे लगा कि भाई वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा रखा है वहां से मैं आपको खुद करने के लिए दे दूंगा। क्योंकि जब सिपाही सैन्य अगर सैनिक लड़ाई करता है ना, जब तक लड़ाई करता है, जितनी लड़ाई करता है तो वो उसका मजबूत रहता है, तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी भी रहता है, और वो मतलब थोड़ा प्रिपेयर भी रहता है और सही माना जाता है। अगर सैनिक या सिपाही अगर महीने भर, साल, दो साल या फिर चार साल अगर वो आर्मी वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करें या कुछ काम नहीं करें ना, तो क्या है वो बिल्कुल आलसी वगैरह बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आलसी बनाना नहीं चाहता, आपको खुद प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, है ना। उसके साथ साथ घोड़े का एग्जाम्पल ले लो, घोड़े को जब तक दौड़ोगे या मेहनत करवाओगे तब तक वो हेल्दी रहता है, उसके बाद उसको अगर आलस करवा दिया ना तो उससे कुछ काम नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके माइंड को आलस मत करने दो, उसको भी कुछ मेहनत करने दो। गाइस फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, सबसे पहले मोड हटाना है हमें, क्या है मोड हटाना है, सबसे पहले मोड हटाते हैं, एफ एक्स जेड का मेरे पास दैट इज मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। तो जो ये मोड होता है, मोड क्या होता है, मोड होता है इसका मतलब रहता है कि हमेशा जो अंदर वैल्यू होगी ना उसको चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो हमेशा अगर मोड हटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है, इसका मेन मतलब ये होता है। बेसिकली अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो मोड हटाएंगे तो सबसे पहले जहां पे मोड हटाते हैं ना, जिस फंक्शन में मतलब अंदर कुछ वैल्यू फंक्शन होता है, हमें वो मोड हटाना है तो उसको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं सबसे पहले। तो अंदर सबसे पहले पहला देखते हैं, फर्स्ट वाला, एक बार मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मोड हटाने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ही नहीं आगे भी काम आएगा, इस वाले को ले रहा हूँ, ये जो ग्रीन मैंने मार्क गोला सर्कल लगाया ना वहां पे, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, मोड के अंदर एक्स आ रहा है, तो एक्स को जीरो के इक्वल कर लेते, एक ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड वाले मोड को देखते हैं, सेकंड वाले मोड में अंदर क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन आ रहा है, इज इट क्लियर, तो एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, इसके बाद इससे आ जाएगा मेरे एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, इज इट क्लियर। तो मेरे पास कितने पॉइंट मिल गए, मेरे पास दो पॉइंट मिल गए। तो गाइस अब हम इसको दो पॉइंट में या फिर दो इंटरवल में हम ब्रेक करेंगे, यानी जो जो पॉइंट आ रहे हैं, सपोज करो इधर प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस टू होता ना, सपोज कर लो, तब क्या फिर हम इसको भी लेते, तब हम क्या करते हैं, एक्स प्लस टू बराबर जीरो करके एक्स इक्वल टू माइनस टू, तब हमारे पास तीन पॉइंट मिल जाते हैं। पर अभी खैर ये नहीं है, इसको भूल जाओ, अभी हमारे पास दो ही है तो उसी को याद रखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज एंड फर्दर। अब करते हैं, मेरे पास ये दो पॉइंट मिले, एक्स प्लस टू जीरो, एक्स प्लस टू माइनस वन, तब बस अब मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ साइड में, ये फंक्शन है, एफ एक्स की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी एक्स इज लेस देन जीरो पे, एक्स इज लेस देन
जीरो पे, और एक आएगी एक्स इज लेस देन माइनस वन, यानी दो पॉइंट पे आएगी। तो छोटा कौन सा है? माइनस वन वाला है, तो जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं। इज इट क्लियर? एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, और एक इंटरवल है इन दोनों के बीच का और एक इससे बड़ा। सपोज करो एक और होता, सपोज करो वन और होता, तो क्या लेते? एक तो लेते एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, फिर एक लेते जीरो और माइनस के वन के बीच में, क्या लेते? एक्स जीरो और माइनस वन एंड जीरो के बीच में। इज इट क्लियर? जीरो के बीच में, फिर एक लेते जीरो और वन के बीच में लेते, फिर एक वन से आगे लेते। इज इट क्लियर? मतलब इस तरीके से ब्रेक करना आपको आता हो। आइयो और फर्दर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो गाइस एक्स इज लेस देन माइनस वन का बन गया, और एक हो जाएगा जीरो से वन के बीच में, या माइनस वन से जीरो के बीच में, क्योंकि माइनस वन पहले लिखेंगे। गाइस इग्नोर मारो इस चीज को, थोड़ा सा हल्की हल्की कभी कभी कराते कराते मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि क्या है ये नेटवर्क इश्यू थोड़ा चल रहा है, अभी बारिश वगैरह हो रही है ना यहाँ पे, इस एरिया में, तो इस चक्कर में। माइनस वन टू एक्स टू जीरो के बीच में, और एक हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तीन इंटरवल। अब इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि जब एक्स लेस देन माइनस वन होगा तब फंक्शन किसके बराबर होगा। तो देखते हैं गाइस, मेरे पास है एफ एक्स, ये मैंने देखो ये जीरो के इक्वल रखा जिससे मेरे को इंटरवल मिल सके कि किन किन इंटरवल में ये ब्रेक होगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं जीरो और माइनस वन वाले कॉन्सेप्ट को। आई होप ये सी समझ में आ रही होगी, कि अगर नहीं, कहीं भी समझ में नहीं आया ना तो गाइस इसको दोबारा से देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है। ये यही नहीं आपको आगे भी काम आएगी, क्योंकि हर चीज देखो इंटरकनेक्ट होती है। आपने देखा होगा मैंने लिमिट क्वेश्चन करवाया ना, पहले लिमिट का टॉपिक करवाया था, उसके बाद मैं कंटिन्यूटी करवा रहा हूँ, तो लिमिट का कितना यूज हो रहा है वो कनेक्ट है ना। अभी मैं डिफरेंशिएबिलिटी आगे करवाऊंगा, तब देखना ये लिमिट कंटिन्यूटी दोनों कनेक्टेड होगी, फिर बाकी मैं इंटीग्रेशन वगैरह करवाऊंगा तो डिफरेंशिएशन कनेक्टेड होगा, फिर फर्दर मतलब सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसलिए अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो गाइस इसको इग्नोर मत मानना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसको कहीं भी देखना, इस चैनल पे देखना, इसको दोबारा से देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो किसी दूसरे चैनल पर जाके देखना, कहीं भी देखना, पर इसको भूलना छोड़ना मत, है ना, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं रहेगा इस चीज का। तो देखो एक्स इज लेस देन माइनस वन, एक्स माइनस वन से छोटा है, तो देखो ये क्या देगा, एफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू माइनस वन से छोटी है एक्स की, तो सपोज करो मैंने माइनस टू ले ली, इज इट क्लियर, एक्स की जगह माइनस टू ले ली, है ना। सपोज करो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन ढंग से करता हूँ, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है समझाने में, क्योंकि इस टीचर को भी समझाना, कई टीचरों को क्या है समझ नहीं पाते। तो मैं इसके लिए देखता हूँ सबसे पहले मोड एक्स के लिए, तो मैंने एक्स सपोज करो माइनस टू ले लिया, ले लिया, तो मुझे पता है मोड एक्स, मोड यानी मोड माइनस टू, ये किसके बराबर आ रहा है, ये मेरे पास टू के बराबर आएगा, ऑब्वियसली बात है। क्या ऑब्वियसली बात है? क्योंकि हमेशा बार वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। इसका मतलब क्या है टू, इसका मतलब क्या है, मैंने जो एक्स था उसके आगे माइनस एक और लगा दी, जब तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं इसको कह सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस एक्स। इज इट क्लियर? समझ रहे हो ना, कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया और टू आ गया। इज इट क्लियर? इसको मैं एक बार और रीराइट करता हूँ, एक बार थोड़ा, आई थिंक आपको थोड़ा समझने में नहीं हो रही होगी, और मैं थोड़ा समझाने में भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल एक थोड़ा इमेजिन करने वाली चीज है। एक्स इक्वल टू माइनस टू है, तो मोड एक्स इसका मतलब है कि मोड ऑफ माइनस टू, और इसकी वैल्यू मुझे पता है टू आएगी, है ना, टू आएगी। अब मैं इसको टू को इन टर्म्स ऑफ एक्स में कैसे लिखूं, इन टर्म्स ऑफ एक्स में कैसे लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, ऑब्वियसली बात है माइनस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एज इट इज, और एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं माइनस टू रख दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, रख के देखते। तो चलो माइनस एज इट इज एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस टू रखूंगा, तो माइनस टू रखता हूँ तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये टू आ जाएगा। एग्जिट के लिए तो मोड एक्स देखो टू ही आ गया ना, यानी जब मैंने माइनस एक्स लिया तो भी टू आ गया, तो मैं मोड एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ मोड एक्स की जगह, माइनस माइनस एक्स रख सकता हूँ ना, क्योंकि लेस देन है ना, लेस देन माइनस वन है, यानी माइनस में वैल्यू आ रही है। एग्जिट के लिए तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब ये माइनस क्वेश्चन का चल रहा है माइनस, अब एक्स प्लस वन, मोड ऑफ एक्स प्लस वन, मोड ऑफ एक्स प्लस वन, मोड ऑफ एक्स प्लस वन, देखो देखो गाइस जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है, माइनस वन या वन से छोटी है, तो माइनस वन से छोटी, सपोज कर मैंने माइनस टू ले ली, माइनस टू ले ली, तो माइनस टू अंदर प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा, इसको करूंगा तो माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है। जब इसको फर्दर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये वन आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। इज इट क्लियर? जिप क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। ये एक आ रहा है ना, तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ
इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ गाइस माइनस ऑफ एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, देखो गाइस एक्स की जगह मैंने इधर माइनस टू माना था ना, तो एक्स की जगह माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस वन रख के देखो, चलो माइनस ये चल रहा है माइनस, और ये इसकी जगह माइनस टू प्लस वन रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा और बार माइनस है तो ये प्लस वन आ जाएगा, मेरे पास यही आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यानी इसका मतलब है कि अगर मोड के अंदर की संख्या नेगेटिव आ रही है ना, मैंने देखा अगर नेगेटिव मोड के अंदर की संख्या आ रही है तो हम क्या रखेंगे, मोड हट जाएगा पर बाहर माइनस का साइन आ जाता है। इज इट क्लियर? मोड के अंदर सपोज करो मोड के अंदर माइनस टू आ रहा है ना, इज इट क्लियर, तो ये मोड हट जाएगा और अंदर जो संख्या है ना वो माइनस टू है, अंदर तो माइनस टू, अंदर जो संख्या वो आ गई, उसके साथ साथ बार माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आना जाएगा तो, है ना। इज इट क्लियर? कैसे आ जाएगा, ये देखो इक्वल ही है ना, ऑब्वियसली बात है, ये तो दो के बराबर होगी क्योंकि मोड के अंदर जो संख्या होती है वो दो के पॉजिटिव होती है, तो दो ले लेंगे, और देखो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। इज इट क्लियर? यानी कि मोड के अंदर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव आ रही हो तो मोड हटाते हैं ना तो वो पॉजिटिव लिख देते हैं, मतलब मोड के अंदर अगर कोई संख्या नेगेटिव आ रही है ना तो मोड हटाते हैं ना तो बार माइनस का साइन लगा देते हैं गाइस। इज इट क्लियर? हमने इसमें भी देखा मोड एक्स वाले में भी, ऐसे मोड एक्स प्लस वन में, तो इसके आगे भी लग जाएगा, इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे लगेगा माइनस, मतलब मोड हटेगा, माइनस तो एज इट इज चल रहा है, ये तो आप सोच रहे हो यहाँ लगा तो दिया, ये एज इट इज चल रहा है गाइस। एक बार मैं सारी चीजें इरेज करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये जो ये माइनस है ना ये तो एज इट इज है यहाँ पे आ गया, लेकिन अब ये मोड हटाया इसकी जगह एक्स प्लस वन लिखेंगे सीधे तो उसके आगे माइनस आ जाएगा गाइस। इज इट क्लियर? मैंने बता दिया क्यों आएगा, उसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस एक्स, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस से प्लस एक्स कटेगा तो क्या बचा, सिर्फ वन बचा, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन पे वैल्यू क्या रही है, फंक्शन की वन आ रही है। आयु समझ में आ गया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्यों आया या क्यों नहीं आया, ये नहीं समझोगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये नहीं, इसके अलावा काफी सारे और भी तरीके के क्वेश्चन है वो भी नहीं होंगे आपसे, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ गाइस, ये चीज आनी चाहिए। इरेज करते हैं, अब हम क्या करते हैं माइनस वन एंड जीरो के बीच में देखते हैं, माइनस वन एंड जीरो के बीच में चेक करते हैं। मैंने इतना बताया अभी तक, ये बताया कि अगर मोड है, मोड में मोड की अंदर जो संख्या है ना, जो नंबर है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है ना, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मोड को हटा दो और बार माइनस का साइन लगा दो, बार माइनस का साइन लगा दो। ये मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे इसका वापस यूज होगा। अब माइनस वन और जीरो के बीच में, तो सबसे पहले इसका चेक करते हैं, एक्स का चेक करते हैं, तो मोड एक्स है माइनस वन और जीरो के बीच में, देखो गाइस कोई संख्या माइनस वन और जीरो के बीच में आ रही है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही संख्या होगी, है ना। अरे यार ऑब्वियसली बात है यार, ये क्या है, जीरो है, ये वन है, इधर माइनस वन है, कोई संख्या माइनस वन और जीरो के बीच में आ रही है ना, इसके बीच में यानी कि बीच में आ रही है तो ये नेगेटिव होगी ना, क्योंकि जीरो किस तरफ आती है, नेगेटिव आती है, इस तरफ आती है पॉजिटिव आती है। इज इट क्लियर? तो माइनस वन और जीरो के बीच में क्या होगी, कोई संख्या नेगेटिव होगी, तो मुझे पता है अंदर संख्या नेगेटिव आएगी तो मोड हटा दूंगा तो बार माइनस का साइन लगा दूंगा। अब मैं ये नहीं बता रहा कि ये क्यों आया, मैं बता चुका हूँ बस, अब ये प्रॉपर्टी समझो कि अगर मोड के अंदर नेगेटिव संख्या होती है तो मोड हटा देते हैं और संख्या के आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? और ये माइनस तो ये फॉर्मूले का चल रहा है, इसलिए मैंने लगाया नहीं है, फॉर्मूले जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चल रहा है, ये माइनस एक्स इज यहाँ पे है ना, ये उतार दिया। अब मोड एक्स प्लस वन चेक करो, मोड ऑफ एक्स प्लस वन चेक करो, अब संख्या देखो इधर उतारता हूँ, ये जीरो है, इधर माइनस वन है, इधर वन है, अब ये जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाइक कर रहा है, माइनस वन और जीरो के बीच में, माइनस वन और जीरो के बीच में, तो देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऑब्वियसली बात है, क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि x प्लस वन है ना, x प्लस वन है, इसकी संख्या माइनस वन और जीरो के बीच में, माइनस वन और जीरो के बीच में है ना, तो सपोज कर मैं ले ली 0.5 ले ली माइनस का, है ना, माइनस 0.5 तो रखो इधर, इधर माइनस 0.5 प्लस वन दैट इज प्लस 0.5 इन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या फिर आप कुछ भी लोगे ना माइनस वन और जीरो के बीच में, माइनस वन और जीरो के बीच में सपोज कर लो मैंने ले लिया माइनस 0.999999 ले लिया और प्लस वन एज इट इज चल रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आप जोड़ के देख लेना। इज इट क्लियर? ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, तो मैंने बताया था अगर पॉजिटिव आती है तो हम कोई छेड़खानी नहीं करते, तो एज इट इज लिख देंगे तो एक्स प्लस वन एज इट इज आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या देगा माइनस एक्स, इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन तो ये कर देगा माइनस टू एक्स माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, तो बस वैल्यू पुट कर दो माइनस टू एक्स माइनस वन। आई होप गाइस ये समझ में आ रहा होगा, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है ना तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ आपको और आप समझने में भी काफी होशियार है और आपको समझ में आ रहा है। अगर गाइस ये समझ में चीज नहीं आ रही हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक बार में ये चीज समझ में नहीं आती, फिर इसको क्या है दोबारा से देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है दोबारा से देखना पड़ता है, वापस रिसर्च करनी पड़ती है, चीजें
प्रैक्टिस करनी पड़ती है सबसे, मैंने प्रैक्टिस ऐसे दो चार क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको अपने आप ही दिमाग दौड़ने लग जाएंगे कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन काफी जेई में एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं इस तरीके के, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछता है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा पर इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है भाई एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन तो उसमें एक कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है, क्लियर। तो उसमें तीन चार कॉन्सेप्ट होते हैं तो उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा होता है। तो अगर आपको टॉप करना है या फिर आपको रैंक लानी है, आपको IIT वगैरह NIT चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीजें सीखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, जीरो से ज्यादा के लिए, जीरो से ज्यादा के लिए करते हैं। सबसे पहले एक्स के लिए करते हैं, एक्स के लिए करेंगे मोड एक्स के लिए, तो मुझे पता है जीरो से ज्यादा है तो वैसे पॉजिटिव आ गई तो ये एज इट इज आ जाएगा। अरे यार देखो ये क्या है, जीरो है इधर, माइनस वन है इधर, प्लस वन है, तो जीरो से ज्यादा इस तरफ आ गया है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने बताया था अगर मोड के अंदर संख्या पॉजिटिव आ रही हो ना तब हम कोई छेड़खानी नहीं करते, ये एज इट इज रहती है। ऐसे ही मोड एक्स प्लस वन भी, इसको करते हैं, चलो इरेज करते हैं और इसको समझाते हैं। मोड एक्स तो आपको पता चल गया पॉजिटिव आ गई, यानी एक्स एज इट इज आ जाएगा, तो लिखते हैं हम इसको मोड एक्स, तो मेरे पास एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस इधर लिख दिया मैंने जो क्वेश्चन ने देखा एज इट इज, माइनस वन नहीं गया, इसको दोबारा से इरेज करते हैं फिर करते हैं, इधर लिख लेते हैं, चलो एक्स एज मोड आ गया, अब माइनस इधर आ गया, इज इट क्लियर। अब अंदर क्या करेंगे, अंदर करेंगे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है क्योंकि जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो एक्स पॉजिटिव है और प्लस वन भी पॉजिटिव, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा, है ना। जब इसको फर्दर करेंगे तो एक्स माइनस वन दैट इज माइनस वन आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। अब बस हमारा खेल खत्म हो गया, इसको अब आगे तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो तो मैं बताता हूँ, इसको पहले सब इरेज करते हैं सारा और फिर सॉल्व कर बताते हैं। अब आप सबसे पहले चेक करो इसमें ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो माइनस वन पे ब्रेक हो रहा है, एक जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो दो पॉइंट पे चेक करेंगे, एक तो माइनस वन पे चेक करेंगे कहाँ, माइनस वन पे, एक जीरो पे चेक करेंगे। अब मैंने बताया भाई दोनों पे कैसे चेक करते हैं, आप खुद करना। माइनस वन पे चेक करेंगे तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, तो हम दोनों इक्वल आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रही होगी तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही हम जीरो पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला आ जाएगा फंक्शन, राइट हैंड के लिए ये वाला आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर वो भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ रही है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, दोनों अनइक्वल आ रही है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद ट्राई करो। सो गाइस हमारा ये सेशन यहीं पे फिनिश होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर ये PPT प्रोवाइड करवा दी जाएगी बट विदाउट सॉल्यूशन, ओनली क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ईमेल आईडी पे आप कोई, जैसे कभी कभी होता है ना किसी क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट्स को कोई JEE वगैरह की PDF जो होती है शीट्स वगैरह सॉल्व करवानी होती है, रेजोनेंस LM वगैरह की, आकाश की, तो सीधे यहाँ पे शीट्स भेज सकता है, तो हम उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व भी करवा सकते हैं। और कोई क्वेरी भी आप ईमेल आईडी या इनमें से किसी भी चीज़ पर भेज सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी ऑनलाइन स्टडी खोली हुई है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट डे टाटा सी सून।